अध्यक्ष श्री श्री अध्यक्ष जी, राज्य की पंच विधानसभा वर्ष 2023 के मुख्यमंत्री श्री पुत्र सिंह धामी का अभिभाषण। मान्य विधानसभा अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम गैरसैंण क्षेत्र की कुल देवी गंगा मैया की चरणों में शीश नवान नवानता हूँ। मैं उत्तराखंड राज्य के निर्माण के सभी अमर शहीदों और राजेंद्र कानों को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उत्तराखंड को जनता की ओर से नमन करता हूँ तथा आप सभी को प्रकृति का आभार प्रकट करने और बसंत ऋतु के स्वागत का प्रतीक लोक पर्व फूलदेही की बधाई देता हूँ। अटल जी ने उत्तराखंड बनाया था और तो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से संवारने का कार्य कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के विशेष लगाव किसी भी छुपा नहीं है। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर अग्रसित हो रहा है। मैं आज सदन में उत्तराखंड की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। गैरसैंण में 2 वर्ष बाद आयोजित हो रही इस बजट सत्र में उपस्थित विधानसभा के सभी सदस्यों को मैं अभी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रेमचंद अग्रवाल जी और उनकी समस्त टीम को भी मैं इतना अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए साधुवाद देता हूं। ये बजट सर्वस्पर्शी बजट है तथा इसमें जो लॉ लिपस्टिक अप्रोच रखी गई है वो उसका मजबूत पक्ष है। यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास का प्रयास विजन के रूप में है। भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत की शक्ति और सामर्थ्य को पूरे विश्व को ने पहचाना है। आज भारतीय सिर गर्व से ऊंचा है। भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। हम सभी पिछले वर्षों में कोविड की भयावहता के साक्षी रहे हैं, लेकिन हमने यह भी देखा है कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के नेतृत्व सिर्फ कोविड को हराया बल्कि अपने कोविड प्रबंधन का लोहा दूसरे देशों को भी मनवाना दिया है। निःशुल्क वैक्सीन एवं गरीबों को निःशुल्क अनाज दिया गया। प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन परिवहन एवं संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़ राहत पैकेज, चिकित्सा क्षेत्र में 205 करोड़ और महिला सहायता समूह राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को 118 करोड़ रुपये का कोविड राहत पैकेज दिया गया। लाभार्थियों के खातों में DBD द्वारा राहत राशि पहुंचाई गई। प्रदेश में कोविड से प्रभावित परिवारों को, निराश्रित बच्चों को वात्सल्य योजना का सहारा दिया गया। ऐसे 6,000 से अधिक बच्चों को 21 वर्ष की आयु में 3,000 रुपये प्रति माह दिए गए। हमारी सरकार युवाओं के लिए समर्पित सरकार। हमने भारतीय भर्ती माफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने वाले 4 से अधिक ज़्यादा लोगों को जेल में डाला है। हमारे युवाओं के साथ कोई भी धोखा करने की सोच भी नहीं ले इसके लिए हमने देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून किया है। पूरी पारदर्शिता और सक्षम समयबद्धता से परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन तीन परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। अन्य परीक्षाएं आयोजन सारी कैलेंडर के अनुसार किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, महंगाई बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ इतना कम समय में मैं सब कुछ नहीं कर सकता। 22 वर्षों से नकल माफियों की गेरवान में हाथ डालने किसने डाला है? नकल माफियों को जेल में किसने भेजा? नकल विरोधी कानून किसने बनाया? क्या ये सब पहले नहीं किया जा सकता था? विपक्ष को भी पता है कि उत्तराखंड का समुचित विकास कोई कर सकता है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में धामी ही कर सकता है। हमने समस्त प्रतियोगिताओं को नकल विहीन बनाना का संकल्प लिया है और इसको सिद्धि तक भी ले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में देहरादून के में हुई घटना में जिन युवाओं को पर मुकदमा दर्ज हुआ है, युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं को में भाग लेना है, उनके मुकदमे वापस ले जाएंगे। हमने चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता का वादा किया था। जनता जनार्दन में हमें भरपूर आशीर्वाद मिला। समान नागरिक संहिता के लिए गठित समिति जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों, संस्थाओं, आमजन आदि से सुझाव लेकर ड्राफ्ट बनाकर सौंपेंगी। हम उस पर कानून बनाकर आगे बढ़ाया। प्रलोभन से
धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए हमारी सरकार ने सख्त धर्मांतरण कानून बनाया। प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरी में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए हमने 30% महिलाओं को 37 आरक्षण देने का फैसला लिया है। उसने कानून बनाकर धरातल पर उतारने का कार्य किया है। हमने राज्य आंदोलन को भी 10% आरक्षण देने का मंजूरी दी है। उत्तराखंड आदिकाल से ऋषि मुनियों की तपस्या रही है, यहाँ से ज्ञान की गंगा निकलती है। ये धरा महर्षि वेद व्यास, कालिदास और द्रोणाचार्य की कर्म भूमि रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए उसे हमने स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के में लाई गई नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लाई गई है। मुख्यमंत्री उद्यमियान खिलाड़ी उन्नयन योजना में उभरते खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रतिमा खेल छात्रवृत्ति के साथ ही अन्य सुविधाएं दी जा रही है। सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण, संतुष्टि के मंत्र को आधार बनाकर हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी द्वारा देश में प्रारंभ की गई है। सुधारों की एक लंबी श्रृंखला को देखकर उत्तराखंड में भी लागू करने का कार्य कर रही है। हमारी सरकार अंत्योदय की भावनाओं की अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु कीर्ति सांकलित अपनी सरकार पोर्टल, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन आदि सुधारों के द्वारा कार्य संस्कृति में सुधारात्मक सुधार हुआ है। हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 लॉन्च किया है। इस ऐप पर प्राप्त शिकायतों पर हम गंभीरतापूर्वक कार्य भी कर रहे हैं। वेदों में कहा गया है कि आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वसाधनम, अर्थात स्वस्थ रहना परम नियति है और अन्य सभी कार्य स्वास्थ्य द्वारा सिद्ध होते हैं। इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखकर हमने प्रदेश में जन स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सख्त बनाने दिया है। आयुष्मान योजना के इस दिशा में बहुत से अच्छे परिणाम दिए हैं। 46,70,000 से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। महिला स्वास्थ्य कर्मियों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसमें हमने राज्य में नियुक्त निःशुल्क जाँच आयोजन प्रारंभ की है। इसके तहत मरीजों में 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जाँचों की निःशुल्क सुविधा मिल रही है। इसी के साथ साथ उद्यम सिंह नगर में एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर बनाने में एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिली है। पिछले वर्ष अक्टूबर माह में माननीय प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव में आयोजित कार्यक्रम में सीमांत गांव को देश का पहला गांव बताते हुए उनके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। हमारी सरकार दूरदर्श और पिछड़े क्षेत्रों को विकास को समर्पित है कि वोकल फॉर लोकल पर आधारित एक जनपद दो उत्पाद योजना से स्थानीय उत्पादों की पहचान मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का यज्ञ चल रहा है। उत्तराखंड में भी इसी यज्ञ में अपनी ओर आहुति देने की तत्पर है। केदारखंड के साथ साथ मानसखंड मंदिरों का भी विकास किया जा रहा है। प्रथम बार उत्तराखंड की झांकी मानसखंड को कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की परेड में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जहाँ चार कांवड़ी यात्राओं द्वारा बिना किसी समस्या के कांवड़ यात्रा पूरी की गई है। 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं पर चार धाम यात्रा में की गई है। यह संख्या वो है जिसने हमने रिकॉर्ड किया है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए हम होम स्टे योजना में तो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं स्वयं जिलों में भ्रमण के दौरान होम स्टे में रुका हूँ। हमारी कोशिश है कि प्रदेश के होम स्टे को पर्यटकों को की पहली पसंद बना सके। हमारे यहाँ बहुआयामी पर्यटन की अपार संभावना है। हमें नई पर्यटन स्थल विकसित करने और इसके रिवर राफ्टिंग का हम हब बन चुका है। नए रिवर राफ्टिंग स्थानों के चयन हेतु सर्वे भी किया गया है। अभी हमने चंपावत में के टनकपुर में महाकाली नदी में रिवर राफ्टिंग शुरू की है। मैंने खुद वहाँ रिवर राफ्टिंग की है। कुछ महीनों में प्रदेश में रिवर राफ्टिंग की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। पौड़ी, नैनीताल सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में पैरासेलिंग, पैरामोटर आदि खेलों के प्रति भी आकर्षण बढ़ा है। रोपवे जहाँ कनेक्टिविटी का एक नवीन माध्यम है, उसी के साथ साथ वह पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। कुछ माह पूर्व ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी गौरीकुंड, केदारनाथ, गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास किया गया। इनके बनाने में से श्रद्धालुओं को घंटों का सफर मिनटों का संभव होगा। हमारा मूल मंत्र है संकल्प सिद्धि
कृषि बागवानी और सहकारिता से संबंधित हमारी सरकार किसानों को 3 लाख रुपए और महिला स्वास्थ्य समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 4,500 जैविक कलेक्टरों को में काम शुरू किया गया। जिन किसान भाइयों के पास कृषि उपकरण नहीं है उनके लिए हमने फार्म मशीनरी बैंक योजना शुरू किया। इसके लिए 80% सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देश के लगभग 9 लाख किसानों को लाभान्वित हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के विशेष प्रयासों से वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के विजन से भारत के पौष्टिक मोटे अनाज के विश्व स्तरीय पहचान मिल रही है। हमने अभी अपने प्रदेश में मंडवा झंगोरा और स्थानीय मोटे अनाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी दी गई है। किसानों से 3,578 रुपये प्रति क्विंटल मंडवा खरीदा जा रहा है। राशन कार्ड धारकों को 1 किलो पौष्टिक मंडवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। मध्याह्न भोजन योजना में मंडवा और झंगोरा भी दिया जाएगा। इससे एक ओर हमारे किसानों को आर्थिक मजबूती होगी, वहीं पौष्टिक अनाज लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत एक पानी निकालो जरा बैठो जाओ। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 31 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण और 6 STP का अपग्रेडेशन किया गया है। गंगा नदी में प्रदूषण के रोकथाम के लिए 128 नालों को टैप किया गया है। उत्तराखंड के 5 शहरों में चयन अध्यक्ष स्वस्थ भारत मिशन के में होने का सम्मिलित किया गया। हमारे पर्यावरण मित्रों को का एक दिन मानदेय बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है। ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया और 4 पहियों वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहित राशि दी जा रही है। हमने बड़े पहल करते हुए व्यावसायिक भवनों की पार्किंग में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की व्यवस्था के अनिवार्य किया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत बिजली से वंचित सभी गांवों में 100% बिजली विद्युतीकरण किया जा चुका है। जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना को केंद्र से निवेश स्वीकृति की मिल चुकी है। 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना का निर्माण पूरा किया जा चुका है। हमें केंद्र से 300 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत की स्वीकृति मिली है। 300 मेगावाट की लखवाड़ जल परियोजना का कार्यक्रम शुरू किया गया जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं वीरभूमि भी है। देहरादून में भव्य सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है। हमारी सरकार सही सैनिकों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित कर रही है। विशिष्ट सेवा पदक को अलंकृत सैनिकों का अनुमान राशि में कई गुणा बढ़ोतरी की गई है। इस वर्ष हमें जोशीमठ भूदशाओं जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों को के सहयोग से सरकार का द्वारा कुशल प्रबंधन तथा त्वरित राज्य एवं बचाव कार्य में सुनिश्चित करते हुए किसी प्रकार की जीवन हानि नहीं होने दी गई है। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग राज्य सरकार को मिल रहा है। हमारी सरकार सभी परिवर्तित शहरों की धारण क्षमता की स्थिति के निर्धारण हेतु एक व्यापक सर्वे करने हेतु कार्य कर रही है। विस्थापितों को पुनर्वास के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के साथ ही पैकेज दिए जाने की घोषणा है। कोविड महामारी के बाद और रूस की यूक्रेन युद्ध के बाद जहां विश्व की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था उभर कर सामने आई। हमारे विपक्ष के साथ ही जब महंगाई के बातें करते हैं तो भूल जाते हैं कि आज भी विश्व के बड़े बड़े देश महंगाई की मार से जूझ रहे हैं, तब भारत की महंगाई की दर स्थिर रखते सफलता की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अनुमान के 2025 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 2027 तक 5.4 लाख करोड़ डॉलर के आकार के साथ दुनिया की सबसे तीसरी अर्थव्यवस्था होगा। उत्तराखंड में भी एक और जहां प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष के मुकाबले 10% की वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की GST संग्रहालय की वृद्धि दर में लगभग
टॉप 6 राज्य आ चुके हैं। राज्य में जीएसटी संग्रहालय की वृद्धि 32% रही है। इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि उत्तराखंड के लोगों द्वारा खर्च बढ़ा है। मुख्यमंत्री रिफल योजना के तहत राज्य के करीब 2.25 लाख करीब गरीब परिवारों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त रिफिल दिए जा रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध के बाद बढ़े हुए गैस के दामों में गरीब परिवारों को होने वाले नुकसान से बचाया जा रहा है। यहाँ हमारे दृष्टि पात्र के आधार पर बनाया गया है। वहीं हम अपने आपका बजट आपका सुझाव कार्यक्रम के आधार पर इस बजट में जनता को भी सीधा भागीदारी बनाया है। इस बजट में हमने रोजगार स्वरोजगार शिक्षा नारी सशक्तिकरण ग्रामीण विकास इंफ्रास्ट्रक्चर चिकित्सा स्वास्थ्य कल्याण कृषि उद्योग कनेक्टिविटी ऊर्जा सिंचाई जैसी क्षेत्रों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। मैं इस लीक से हटकर बनाए गए बजट का अध्ययन करने का आप सभी को आह्वान करता हूं तथा जिससे जनता का तथा इसके प्रावधानों को प्रचारित और प्रसारित किया जा चुका है। यह बजट नहीं बल्कि एक उत्तराखंड बनाने का अर्थसंकल्प है और आचार्य चाणक्य की अर्थप्रबंधन को लेकर दी गई है परिकल्पना का अनुरूप है। बजट में स्वरोजगार रोजगार हेतु विशेष प्राविधान किए गए हैं तथा उद्यान विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 815.666 करोड़ का प्रावधान किया है। पॉली हाउस हेतु 200 करोड़ प्रावधान किया गया है। मिशन एप्पल योजना के अंतर्गत 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजकीय नियुक्तियों हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। जिस हेतु राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 133 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उद्योग विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 461.31 करोड़ प्रावधान किया गया है। वर्कफोर्स डेवलपमेंट 100 करोड़ रुपये का व्यय किए जाएंगे। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप इंटरप्रीनियरशिप योजना हेतु 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विभिन्न नीतियों के तहत उद्योगों को अनुदान हेतु 26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 40 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। पर्यटन विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 302.04 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है। व्यय करने का प्रावधान किया है। उत्तराखंड राज्य पर्यटन विकास परिषद 63 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है। पर्यटन विकास के अवस्थापना निर्माण 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। टिहरी झील का विकास के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। चार धाम यात्रा मार्गों पर आधारित मूलभूत सुविधाओं को निर्माण विकास हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पर्यटन विभाग अंतर्गत चार धाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय हेतु 50 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है। शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल 10,459.55 करोड़ प्रावधान किया गया। उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु 51 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रतियोजना प्रोत्साहन योजना में छात्रवृत्ति हेतु 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। पीएम श्री योजना हेतु 92.78 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। कृषि विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 1,294.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मिल्टन मिशन हेतु 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्थानीय फसलों में प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल 4,217.87 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अटल आयुष्मान हेतु 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। मेडिकल कॉलेज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। समाज कल्याण विभाग महिला विकास बाल विकास बाल कल्याण विभाग में वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल 2,850.24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निराश्रित विधवा पेंशन हेतु 250 करोड़ का प्रावधान किया गया। किसान पेंशन योजना हेतु 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नंदा गौरा योजना हेतु 282.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पोषण अभियान योजना हेतु लगभग
26.72 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 23 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हेतु 19.95 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। उधर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए इस लक्ष्य को प्राप्त के लिए हम विकल्प रहित संकल्प के आधार पर निरंतर कार्य कर रहे हैं कि आप सभी के सहयोग से हम समृद्ध सक्षम आत्मनिर्भर उत्तराखंड निर्माण करने में सफल होंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि आदरणीय मोदी जी के ने वर्ष 2023 में मिल्टन वर्ष की संज्ञा दी है। हम आदरणीय मोदी जी के इस विजन के अनुरूप पौष्टिकता से भरपूर उत्तराखंड के मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम सभी के लिए अनाज मोटे अनाज का ही लंच तैयार कराया गया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी उत्तराखंड की मोटी उपज के इस मोटे अनाज को से बने हुए भोजन का अवश्य आनंद उठाया होगा। अंत में इस बजट का भाषण के दौरान स्वर्गीय हरवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई उन पंक्तियों के साथ में आप सभी के माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को यह बताना चाहता हूं कि राह लंबी है, डगर कठिन है, लक्ष्य दूर है, लेकिन संकल्प दृढ़ है। हम अपने इस विकल्प रहित संकल्प के द्वारा आप सभी के सहयोग के उत्तराखंड के देश में सर्वश्रेष्ठ जानकारी की ही हम की बनाकर ही हम दम लेंगे। आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूँ। दूर की इस कल्पना के पास जाना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल 2022 के दिसंबर 2022 तक 5,858 किलोमीटर के मार्ग को पैच मरम्मत पूर्ण किया गया है। वर्ष 2023-24 के बजट के में PMGSY के मार्गों में मरम्मत के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही लोग निर्माण के अनुरूप में 97% की वृद्धि दर कर दी गई है। 850 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। विकास प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक भूमि उपयोग में मानचित्र स्वीकृति स्वयं स्वस्थ प्रमाणन प्रक्रिया लागू की गई है। विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एक एकल आवासीय मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल करने की कार्रवाई की जा रही है। मलिन बस्तियों में के सुधार एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए विकास का शुक्ल 10% धनराशि का प्रावधान किया गया है। विधायक निधि 3.75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। गैरसैंण में अवस्थापना सुविधा के विकास के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध सुनिश्चित की जाएगी हमारा संकल्प है कि हल्द्वानी में एक अच्छा सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनेगा। शहीद आंदोलनकारियों के सम्मान हमारी पहली प्राथमिकता है। माननीय विधायकों से जो हमने प्रस्ताव किए हैं वह प्रस्ताव को 5 वर्ष की दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत है और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। ड्रग्स के क्षेत्र में हम लगातार संवेदनशील हैं। 2025 तक हमने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का संकल्प लिया है। वह संकल्प भी हम तेज़ी से पूरा करेंगे। इसके लिए टास्क फोर्स बनाई दी गई है। धन्यवाद के साथ मैं सुशील इलवाइस के साथ मुख्यमंत्री की जुमान से धन्यवाद।